ओप्पो रेनो 8 सीरीज़ आ गई। जैसे कि आप लोग जानते हैं ओप्पो की जो रेनो 8 सीरीज़ है वो 18 जुलाई मतलब परसों लॉन्च हो रही है, मगर जो ऑफर्स हैं जो प्राइस है वो सब कुछ रिवील्ड हो गया है। और इसमें मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों के साथ इसके बारे में, क्योंकि बहुत ज़्यादा तगड़ी डील है और मेरे हिसाब से फ़ोन लेना चाहिए आप लोगों को। तो पूरा वीडियो देखिएगा, जल्दी वो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आपने नहीं किया है। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। डेफिनेटली मुझे ओप्पो की जो रेनो 7 सीरीज़ भी थी ना वो पर्सनली बहुत अच्छी लगी थी, बट ओप्पो रेनो 8 सीरीज़ और बेटर हो गई है। चलिए बात करते हैं अब इसके बारे में। तो ये 18 तारीख मतलब परसों लॉन्च हो रहा है। अब क्या इसकी प्राइस है वो सब कुछ आ गई। उसके पहले बात कर लेते प्राइस के बारे में। जो इसका ओप्पो 8 सीरीज़ है, रेनो 8 सीरीज़ जो नॉर्मल वाला है, वो आपको चालू होने वाला है 29,990 रुपीज़, मतलब 90 होगा। तो भाई 8 GB रैम 128 GB, मतलब 30,000 रुपये में स्टार्ट हो जाएगा। देन तीन वेरियंट आने वाले हैं, और जो ओप्पो रेनो 8 प्रो होगा वो आपको एक ही वेरियंट के साथ आएगा, 12 GB और 256 GB वाला वेरियंट। तो वो आप लोगों को मिलने वाला है 44,999 रुपीज़, मतलब 45,000 रुपीज़ की प्राइस रेंज में। तो भाई मेरे हिसाब से तो प्राइस तो ज़्यादा रखा है, बट जो ऑफर्स आप सुनोगे ना वो बहुत ज़्यादा बढ़िया होने हैं, तगड़े होने वाले हैं। सबसे पहले तो 3,000 रुपये का यहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड या कोई कार्ड में ऑफर मिलने वाला है, ठीक है। अब कार्ड पता नहीं चला अभी कौन सा कार्ड में मिलेगा, वो तो आपको परसों पता चल ही जाएगा जब सेल आ जाएगी, तो इसकी तो परसों आपको पता चल जाएगा जब लॉन्च हो जाएगा। तो हाँ, कार्ड ऑफर आपको मिलेगा 3,000 रुपये का, और 3,000 रुपये का कहा जा रहा है एक्सचेंज ऑफर भी मिल सकता है, 3,000 + 3,000 = 6,000, मतलब बहुत ज़्यादा तगड़ी बात हो जाती है। मतलब मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि मेरे पास पुराना मोबाइल पड़ा है जिसकी वैल्यू 2,000 रुपये है, ठीक है। तो उसको 2,000 रुपये आप लोग प्लस 3,000 कर दो, क्योंकि आपको 3,000 एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा एक्सचेंज ऑफर में। तो 2,000 अगर आप लोग अपने मोबाइल की पुरानी वैल्यू नहीं भी काटते हो, मतलब क्योंकि वो आपकी जेबी से जा रहा है पुराना मोबाइल, तो 3,000 रुपये ले लो, 3,000 काट कर, तो 6,000 तो आपको ऑफर मिल ही रहा है, जो बहुत अच्छी बात लगी मुझे। तो पर्सनली जो 45,000 वाला फ़ोन है वो आपको मिल जाएगा 39,000 में, एंड जो ओप्पो रेनो 8 है वो आप लोगों को 30,000 में लॉन्च हो रहा है, तो आपको 24,000 रुपये की प्राइस रेंज में देखने मिल जाएगा। अब भाई इस प्राइस रेंज में तगड़ा फ़ोन है भाई, बहुत अच्छा फ़ोन है। चलिए ओप्पो रेनो 8 के बारे में बात कर लेता हूँ। बिल्ड डिज़ाइन बहुत ज़्यादा प्रीमियम है यार, बहुत अच्छा लगा मुझे इसका बिल्ड डिज़ाइन, दिखने में बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगता है। डिस्प्ले में 6.43 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले है, एमोलेड डिस्प्ले है, यहाँ पर आपको 90 रिफ्रेशिंग रेट दिया गया है, और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है, तो पर्सनली डिस्प्ले में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। चिपसेट में डायमेंसिटी का आपको 300 वाला चिपसेट मिल जाता है। कैमरा 50+8+2 का कैमरा दिया गया है, 4K वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे, OIS का सपोर्ट होगा। जो चाइना में लॉन्च हुआ है वहाँ पे 50+2+2 का है, बट यहाँ पर 8+2 का दिया गया है, जो अच्छा काम किया है, 4K वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। सेल्फी में 30 MP की सेल्फी भी मिल जाएगी, वहाँ से आप जो है 30 MP की सेल्फी बना वीडियो बना पाओगे और 1080p वीडियो बना पाओगे। बैटरी में बात कर लेता हूँ, 4,500 mAh की बैटरी है, प्लस टाइप सी है, एंड 80 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग है भाई, बढ़िया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। फास्ट चार्जिंग बहुत अच्छी दी गई है। UI में भी एंड्रॉयड 12 आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा, यानी आप लोगों को यहाँ पर ColorOS के साथ रन करने वाला है। गाइस ये है यहाँ पर पूरा गाइस ओप्पो का रेनो 8, और बहुत ज़्यादा बढ़िया मुझे फ़ोन लगा ये, एंड ओप्पो रेनो 8 प्रो भी अच्छा फ़ोन है, मतलब बढ़िया फ़ोन है, बट वो थोड़ा प्राइस ज़्यादा है। तो अगर आप लोग ज़्यादा महंगा फ़ोन लेना चाहते हो तो वो भी देख सकते हो, अच्छी डील मुझे लगी वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पे थोड़े इंप्रूवमेंट्स करके दिए गए हैं जो मुझे अच्छा लगा। बट अगर मैं ओप्पो रेनो 8 की बात करता हूँ जिसके स्पेशली मैंने वीडियो बनाया और वो मुझे बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा, ठीक है, इन 24,000 रुपीज़ के बजट में 25,000 रुपये के नीचे अगर आप लोग देखते हो तो एक बहुत अच्छी डील है, ठीक है, लेना चाहते हो तो ले सकते हो। और दूसरा, परसों लॉन्च हो रहा है, सेल देखी कब आ जाती है वो पता चल जाएगा हमें परसों ही। तो कमेंट करके बताओ कैसा लगा वीडियो, पसंद आया लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से कर लो। हम कोशिश करते हैं आप लोगों के लिए यहाँ पर डेली वीडियोस बनाने के लिए, और ओप्पो की जो रेनो सीरीज़ है ना, पिछले साल जितना अच्छा काम किया था उससे बेटर इस साल काम किया हुआ है, जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी बात लगी। मैंने पिछली बार याद है मैंने ओप्पो रेनो 7 पर बहुत सारे वीडियो बनाए थे, अब 8 पर बनाऊंगा इंशाल्लाह। तो बताइएगा कमेंट करके, और अगर वीडियो पसंद आई लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। एंड इस वजह से इतना रखता हूँ, एंड टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।